सुनाई दे रहा है? या बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप गा ओके सकते हो। ओके। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद सबका। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया सिस्टर सुजन ऐसे खूबसूरत गाने के लिए। परमेश्वर ने आपकी सहायता की करी इस गीत को गाने के लिए। योग्यता से बढ़कर है परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे सोचने और मांगने से बढ़कर परमेश्वर ने दबा दबा कर हिला हिला कर हमारे गोद में दिया है, वचन ऐसा कहता है। इस सुंदर गीत के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज रात को मैं आपके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपको परिवार समेत परमेश्वर सेवकाई में अधिक बढ़ाए, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को अपने पंखों के तले संभाले रखे। आगे हम जो है वचन से सुनेंगे, और आज रात को वचन से सुनाने के लिए सिस्टर बीना जॉर्ज बॉस्टन से हमारे बीच में है। बीना आंटी, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सब लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के, मैं जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और बार एक अवसर दिया है कि आप लोगों के मध्य में आके अपने प्रभु का वचन को अपन शेयर कर सकें, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो और अपने सबकी आत्मिक उन्नति हो। तो आइए अपन सब मिलके दो मिनट प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु प्रभु जी, आज हम आपके चरणों के समीप आए खुदा, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमें हमें कोई भी योग्यता नहीं है प्रभु जी, पर हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए खुदा, जो हमें हर प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ाता है खुदा। आज हम जो भी वचन कहेंगे प्रभु जी, हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा ही खुदा, आपने अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, अपनी आत्मा से हम सबों को भरना, ताकि ये वचन हमारे हृदय के अंदर खुदा हमेशा के लिए रहने वाले हो सके, और हम इसके अनुसार चलने वाले भी हो सके प्रभु जी। सब यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर प्रभु, आमीन आमीन आमीन। कितना समय, 15 मिनट है क्या? 20 मिनट करीबन, 20 से लेकर 25 मिनट तक। ओके ओके, थैंक यू। आज जो अपन वचन मनन करने जा रहे हैं वो है 2 कुरिन्थियंस 5:1, 2 कुरिन्थियंस 5:1, इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी
पर का ढेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, इससे तो हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। तो आज जो मेरा विषय है वो स्वर्गीय घर के बारे में, या अपना जो इटर्नल हाउस है उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि अपन को सबको मालूम है कि अपन जो घर पे भी रह रहे हैं वो कोई परमानेंट हाउस नहीं है, वो टेम्पररी हाउस है। तो हर इंसान जो इस संसार में जन्म लेता है उसके लिए दो घर रहता है, और पहला घर हमेशा अर्थली हाउस रहता है, इस ये भूमि का जो घर है वो टेम्पररी रहता है। और ये इस घर में ही अपन अपना सबका जन्म हुआ है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने माता पिता अपन को बचपन से ही प्रभु का वचन सुनाते हैं। जब कोई इंसान बॉर्न होता है उसमें परमेश्वर सबको मेजर ऑफ फेथ तो देता है परंतु कोई भी आत्मिक नहीं रहता है। परंतु जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को हमें भी पढ़ाना है, तो ये वचन सुन सुन के एक समय आता है कि हमारे हृदय के अंदर विश्वास आ जाता है। तो जब ये विश्वास आ जाता है तब एक इंसान, जिस प्रकार से वचन में लिखा गया रोमन्स के 10:9 में लिखा है कि तब जब विश्वास आ जाता है तब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अपन माता पिता का ये कर्तव्य है, एक जॉब है कि अपन अपने बच्चों को छुटपन से ही प्रभु के भय में अपन पढ़ाएं, उसके भय में अपन को चलाएं, वचन से अपन को जो कुछ मालूम है उनको सिखा, उनको संडे स्कूल ले जाए, उनको चर्च में ले जाए, उनको एनकरेज करना है बचपन से ही, अपना कर्तव्य बनता है। अगर आज अपने बच्चे प्रभु में नहीं है, आगे नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ही है। वो बिगड़ गए अपन नहीं बोल सकते हैं, वो क्यों बिगड़ गए, क्योंकि हमने उनको प्रभु के वचन के अनुसार हम उनको नहीं ले चले, हमने उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए वो लोग दुनियादारी में पड़े हुए हैं। तो जब अपन बच्चों को वचन सुनाएंगे बचपन से ही उनका विश्वास बढ़ेगा, जब उनका विश्वास बढ़ेगा तो वो खुद एक समय आएगा कि प्रभु को अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। अब अपन देखते हैं जब वचन अपने हृदय के अंदर आ जाता है तो अपना विश्वास बढ़ जाता है। जिस प्रकार से हिब्रूज में लिखा है 11:1 में लिखा है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास वचन सुनने से ही आता है। कोई विश्वास प्रार्थना करने से, बैठ बैठ के रोज रोज प्रार्थना करो, कोई विश्वास नहीं बढ़ेगा, परंतु जब अपन वचन सुनेंगे तो अपना विश्वास बढ़ेगा, ये वचन कहता है। तो जब अपना विश्वास बढ़ जाता है तब अपने अंदर का जो इनर मैन है उसमें कुछ चेंजेस आता है। अब जो सेकंड पार्ट में ये बताना चाहूंगी कि हर इंसान में एक आउटर मैन होता है और एक इनर मैन होता है, और आउटर मैन सबसे पहले जन्म लेता है, उसके बाद ही अपना जो इनर मैन है जिसको अपन स्पिरिचुअल मैन कहते हैं उसका जन्म होता है। उसी प्रकार से लिखा है ना कि फर्स्ट आदम जो था, जो आदम और ईव का जो आदम था वो पहला बॉर्न हुआ, जो सेकंड आदम था वो हेवनली आदम विच इज जीसस क्राइस्ट वो बॉर्न हुआ। उसी प्रकार से हमारा जो फ्लैशली पार्ट है, हमारा जो शरीर है, वो सबसे पहले बॉर्न होता है, और दिखने में क्या है वो हर दिन क्या है अपन उसको सुंदरता बनाते जाते हैं। अपन मेकअप करते हैं, अपना हेयर स्टाइल करते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं अपने आउटर मैन को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छी बात है ये सब करना। परंतु जिस प्रकार से अपनी उम्र बढ़ती जाती है अपना जो शरीर जो है अपना कमजोर हो जाता है, अपना स्किन सब रिंकल हो जाता है और धीरे 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 वो डिके हो जाता है। परंतु अपना जो इनर मैन है जो कि स्पिरिचुअल मैन है वो आत्मा में तभी बढ़ता है जब हम वचन को ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा समझेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो हमारे इनर मैन जो है उसमें चेंजेस आने लगता है। और जितना बुढ़ापा होता जाता है हमारा जो इनर मैन है, स्पिरिचुअल मैन है, वो बहुत सुंदर बनने लगता है, उसमें बहुत शोभाएं आने लगती हैं, उसका जो है उसको देखने में शोभा आ जाता है। मतलब हमारा स्पिरिचुअल मैन जो है एवरी डे रिन्यू होता रहता है, मोर ब्यूटीफुल होता जाता है, अपन परमेश्वर के जैसे दिखने लगते हैं अपना इनर मैन। और ये सब होता है केवल प्रभु के वचन के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, अपन पढ़ते ना भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत प्योर है,
वो अलाइव है, वो आज भी जिंदा वचन है, कोई कथा कहानी नहीं है अपने बाइबल। अपन स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, अपन लोग सब भूल जाते हैं कि एक बार पढ़ते हैं फिर अपन को दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, परंतु अपना बाइबल देखो केवल एक, अपना जो कलाम है एक किताब है केवल, वो अपन अपने पास 70, 80, 90 जब तक आयु रहती है एक इंसान की तब तक उसके पास रहता है, परंतु अपन कभी भी बोर नहीं होते क्योंकि हमेशा जब अपन पढ़ते हैं उसमें एक नई नई चीजें अपन को पढ़ने को मिलता है, नई नई आशाएं मिलती हैं। एक ही वचन क्यों ना हो परंतु जब अपन 10 बार पढ़ते हैं वो 10 डिफरेंट विषय के बारे में प्रभु अपन से बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि वो वचन जो है जिंदा है, वो वचन मरा नहीं है, वो कथा कहानी नहीं है, उसमें आज भी उसमें लहू है, उसमें शक्ति है, उसमें पावर है। जब अपन वचन पढ़ते हैं अपने अपन सर से लेकर पांव तक अपने हर अंग में जो है उस वचन में लिखा गया साम्स 119 में कि अपन को विजडम देता है, बुद्धिमान करता है अपन को। कितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो परंतु वचन पढ़ने में जो बुद्धि मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वो किसी इंसान को किताब से नहीं मिलता है। अपने आंखों को क्या है वो बहुत प्लीजिंग टू आवर आई साइट, अपने हृदय को वो बहुत आनंदित करता है, अपने पांवों के लिए वो दीपक है, अपन को अपने पापों से अपन को वो छुटकारा प्राप्त करने के लिए वचन है। वचन पढ़ने से मालूम पड़ता है कि हमें कितनी पाप में हमारा स्वभाव है, हम कितने पापी हैं। मतलब प्रभु का वचन ही है जो हमारे शरीर के पूरे अंग को वॉश करता है, धोता है और प्रभु के नजदीक लेके आता है। जब अपन एक्ट्स पढ़ते हैं, एक्ट्स में टोटल 28 चैप्टर्स है, परंतु हर चैप्टर में अपन देखते हैं जब पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आ जाता है वचन पढ़ने के द्वारा, तो उसमें कुछ 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 चेंजेस आने लगती है। तो 28 चैप्टर में 28 जगह पे अपन 28 चेंजेस देखते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब हम वचन को ज्यादा पढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करने लगता है। जब एक बार परमेश्वर की आत्मा हम में आ जाती है तब हम स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमें इच्छा करती है। तब हम क्या करते हैं, तब हमें ये परमेश्वर क्या है, कहाँ वास करता है, तब हम ऊंची बातों को देखते हैं, हेवनली चीजों को हमें हमें जानने की इच्छा होने लगती है। तब हमें लगता है कि अरे अर्थली जो हाउस है ये क्या है और हेवनली हाउस क्या है, इसके बारे में हमको जानने की इच्छा होने लगती है। जिस इसी प्रकार से तभी तो कोलोसियंस में लिखा है, कोलोसे के पत्री उसके 3 अध्याय के पहले आय में लिखा है ना कि अपने अपने माइंड को सेट अप योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव नॉट ऑन अर्थ, मतलब इस संसार के चीजों में अपने माइंड को मत लगाओ परंतु जो स्वर्गीय स्थान में जो कुछ है उसमें अपना ध्यान लगाओ। अपन देखते ना स्वाभाविक रूप में क्या है, जब अपन संसापन कैसे लगता है कि अपन अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलना चाहिए। यूजुअली सबों का ये इच्छा है, हर पेरेंट्स का भी, कि अपने अपने बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिले। उसके लिए अपने अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं। अगर मार्क्स कम मिल जाता है तो अपन को अपसेट हो जाते हैं। अपन लोग होमवर्क के लिए कितना कितना समय लाइब्रेरी ले जाते हैं, सब पढ़ाने के ले जाते हैं, परंतु अपन को ये मालूम है ये सब जरूरत है, ये सब आवश्यकता है इस संसार में जीने के लिए, परंतु कभी भी अपन ने सोचा है कि ये सब नश्वर है। परंतु अपन लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों को वचन पढ़ाने के लिए, अपन उनको कहाँ ट्यूशन में ले जाते हैं वचन पढ़ाने के लिए, अपन वचन को होमवर्क के रूप में अपन कितना देते हैं। संडे को कुछ होमवर्क हो तो 1 घंटा या 2 घंटा में कर लिया, परंतु अपन लोग वचन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक रूटीन के रूप में हर इवन क्रिश्चियन के घर पे भी एक रूटीन के रूप में एक प्रार्थना चलता है, थोड़ा सा गाना 2-3 गाना गा लिया, थोड़ा बाइबल स्टडी कर लिया, प्रेयर कर लिया, परंतु अपन सही में देखा जाए तो ये सारी चीजें नश्वर है। एक चीज केवल इटर्नल है, वो है कि प्रभु में हम जितने आगे बढ़ते हैं, हमारा रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ है, हम जो वचन में आगे बढ़ते हैं वो हमारा एक इटर्नल एक हमारा वैल्यू रखता है। इसलिए तो वचन में लिखा गया ना कि अपने मतलब इस संसार का वेल्थ में अपन को कोई भरोसा नहीं रखना कि ये सब नश्वर है। अपन लोग कितना काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, वहां से धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब अच्छी बात है, परंतु हम प्रभु में क्या है। हमें जरा सोचना है कि अगर आज हम मर जाएंगे, अगर आज हमारा अंत होगा तो हम क्या ले जाएंगे हमारे साथ।
ना घर ना डिग्री, अपन कुछ नहीं ले जाएंगे, परंतु हमने प्रभु के लिए अगर हमने कुछ काम किया है तो वो हमारे साथ जाएगा। अगर हमने प्रभु के लिए आत्माएं जीती हैं तो वो हमारे साथ जाएगा। एक चीज अपन को अपने मन में अच्छे से समझना है कि हमारा एक घर है, वो हमारा स्वर्गीय घर है। ये जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं ये टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए है, 60-70-80 साल के केवल है ये घर। उसके बाद अपने घर के लिए जो कुछ बनाया सब छोड़ कर जाएंगे, परंतु हमारे एक एक स्वर्गीय घर है। उस घर के लिए हमने क्या बनाया है, वो हमारा घर कितना बड़ा है। परवचन में लिखा गया कि मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो हर इंसान अपने अपने लिए जो काम करता है इस संसार में उसके हिसाब से उसका घर है। तो हमारे स्वर्गीय घर में हमने क्या बनाया, क्या है, हमने उसके लिए कितना धन कलेक्ट किया है स्वर्ग में। मैथ्यू में लिखा गया ना कि अपना अपना ट्रेशर्स, अपना अपना धन जो है तुम स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि जो अर्थ में इकट्ठा करते हैं वो सब मौत वगैरह डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट हो जाता है। परंतु हमने स्वर्ग में अपने कितना धन बनाया है, हम कितना समय परमेश्वर के चरणों में स्पेंड कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर से कैसा है, ये सब अच्छा है अपन जो चीज कर रहे हैं रूटीन, परंतु एक वन टू वन रिलेशनशिप ना होना चाहिए। वचन में कहा गया कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं या हम अपनी अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, ये अपने आप को देखना है। इसलिए तो पत्रस लिखता है, पॉल कहता है कि फर्स्ट पीटर में अपन पढ़ते हैं चैप्टर 2 में कि गेट रिड ऑफ, अपने अपने हृदय से इन सब चीजों को हटाओ। ये प्राइड जो है, अपन स्लैंडर, दूसरों के बारे में अपन बोलते हैं, दूसरों का अपन कंपेयर करते हैं, अपन को जो हेट्रेडनेस है, ये सब को हटा। अपने पास आपको समय नहीं रखा ये सब के लिए। ये सब एक पुराने जमाने में अपना नेचर था, अपना स्वभाव था, परंतु अब अपना फोकस जो है इटर्नल होम की तरह रहना चाहिए और होना चाहिए कि हमने प्रभु हमारे लिए भवन बनाएगा, वहां की तरफ हमें अपना फोकस होना चाहिए। अब बात यह है कि क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल उसमें है क्या, वहां है कौन, इटर्नल हाउस में जो हमारा स्वर्गीय घर है वहां पे है किसको हम मिलने जा रहे हैं हमारे मरने के बाद। सबसे पहली बात है हमारे जो फादर है, हमारे जो पिता है वो स्वर्ग में है। अपन यहाँ पर भी भूमि में भी देखा जाए तो माता पिता जहाँ रहते हैं वहां बच्चों को रहना बहुत अच्छा रहता है, बहुत सेफ रहता है, हमें मिलता है, मालूम है कि हमें सब कुछ मिलेगा, हमें ना तो मेहनत करना पड़ेगा, परंतु हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ देंगे कि हमारा पिता यहाँ पर है। तो उसी प्रकार से हमारे जो जो स्वर्गीय घर है, स्वर्गीय घर में हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारा जो पिता है, स्वर्गीय पिता हमारे साथ रहेगा, हमें बहुत प्रोटेक्शन है वो, हमें बहुत सेफ्टी वहां मिलेगा। फिर दूसरा है कि हमारा वचन में लिखा गया हमारा सिटीजनशिप है वो हेवन में है। हम यहाँ पे तो यूएस सिटीजनशिप लेते हैं वो अपने काम काज के लिए सब ठीक है, परंतु ये चीज नहीं भूलना है कि वचन में लिखा गया कि हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है। हम यहाँ पे इस संसार में केवल एक एम्बेसडर के रूप में खड़े हैं या एक फॉरेनर के रूप में हैं। एक एम्बेसडर का जॉब क्या है, कुछ टाइम पीरियड तक उस कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, एक एम्बेसडर का जॉब। तो इसी प्रकार से हम जब इस भूमि में रहते हैं तो हमें स्वर्ग को रिप्रेजेंट करना है, हमें हमें दूसरों को स्वर्ग के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, स्वर्ग को हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे बोली के द्वारा, हमारे भेष के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हम स्वर्ग को इस संसार में रिप्रेजेंट करके दूसरों को देना है। पर हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा जो सिटीजनशिप है वो हमारा स्वर्ग में है, यहाँ पे नहीं है। और फिर हमारे लिए घर है और हमारे लिए बहुत अच्छा एक जीवन है वहाँ पे, ना तो वचन में लिखा गया, ना तो कोई वहाँ पे कोई दर्द नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई काला कोई गोरा, कोई भेष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे केवल हमेशा आनंद का जीवन है, वहाँ पे सुख जीवन है, वहाँ पे हम प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु के लिए गुण गाएंगे। ये एक रेवलेशन अगर अपन को मिल जाता है तब हमें इस संसार की सारी चीजें एक वैनिट, एक व्यर्थ के रूप में दिखाई देने लगता है। नहीं तो क्या है, हमें इस संसार की सारी चीजें हमारे आंखों के लिए बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगती है। अपन ने, अपन को मालूम है अभी ये पिछले ही हफ्ते बिली ग्राम की मृत्यु हुई, एट द सेम टाइम अपन को मालूम है कि इंडिया के जो फिल्म एक्टर श्रीदेवी की भी मृत्यु हुई।
अब दोनों देखो, जो संसार के लोग जो जिस दृष्टि से देखते हैं श्रीदेवी की जब मृत्यु, तो बहुत लोग रोने लगे थे, बहुतों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसने क्या किया कि उनने बहुत लोगों को जो आंखों की जो अभिलाषा है, मतलब मूवी में बैठना, चित्रहार देखना, चित्रमाला देखना, आंखों की अभिलाषाओं को पूरी करके दिया। खुद तो खुश नहीं थी, ना ही किसी आत्मा को जीता। अब जब मृत्यु हो गई तो उनके साथ उनकी सुंदरता पूरी चली गई। तो जो उनका जो आउटर मैन था वो डिके हो गया, और तो जो उनका इनर मैन तो जाता स्पिरिचुअल बॉडी था, वो भी उनके साथ डिके हो गया। ऑन द अदर हैंड जब बिलीग्राम की मृत्यु हुई तो उनको क्या था, उनका आउटर मैन तो जरूर डिके हो गया, परंतु उनका इनर मैन जो है, आत्मिक मनुष्य, वो प्रभु में जाके मिल गया। उन्होंने उनका जो सिटीजनशिप वो हेवन में था बिलीग्राम का। उनने एक एम्बेसडर के रूप में इस संसार में रहते रहते ही 2.5 मिलियन लोगों को प्रभु का वचन के बारे में सुनाया। अपन को सबको मालूम है कि दोनों की मृत्यु, परंतु एक के मृत्यु से स्वर्ग में आनंद हुआ, स्वर्ग में बहुत बड़ा पार्टी हुआ, और बहुत सारे लोगों को वो उन्होंने प्रकाश में दिखा, उनको बहुत सारे लोगों को वचन का प्रकाश दिखा के प्रभु में लेके आ गए। तो उनने जो किया है, उनने बहुत बड़ा घर उनके लिए बनाया है, वो एक लेगेसी देके गए हैं पीछे अपने लोगों के लिए कि किस प्रकार से लाइफ लीड करना है। उनके लिए ये आंखों की अभिलाषा सब कुछ नहीं थी, उनका केवल एक ही फोकस था कि प्रभु के वचन को हमें प्रचार करना, क्योंकि उनको एक होप था, उनको एक कि मेरा एक बहुत अच्छा भविष्य है, मेरे लिए प्रभु ने एक स्वर्ग में बहुत बड़ा घर बनाकर रखा, मुझे उस घर में प्रवेश करना है। तो उस दूरदर्शन को करते हुए उन्होंने अपने इस भूमि में उनका चाल शुरू किया और उनका चाल अंत किया। वर्सेस इस संसार के लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया कुछ सालों तक, 40-50 साल तक, उसके बाद वो सब उनके साथ नश्वर हो गया। तो हमें ये सोचना है कि हमारा जो चाल चलन है वो किस घर की ओर है, स्वर्गीय घर की ओर है या कि इस अर्थली घर की ओर है। तो हमें अपने चाल चलन को जरा बदलना है, हमारा पूरा फोकस स्वर्ग की ओर रहना चाहिए। हमें इस संसार में सब नश्वर है, सब नश्वर है देखा जाए तो, हमें संसार के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब हमें संसार के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ता, हमें स्वर्ग के लिए सब कुछ इकट्ठा करना है, हमें आत्माओं को जीतना है, प्रभु के समीप हमें और समय स्पेंड करना है। वचन में लिखा है जागो सोने वालों, वक्त आने लगा है, कोई तुमको बुला रहा है करके। तो हमारे सोने का समय तो चला गया है, हमें लंबी लंबी नींद वगैरह सोना नहीं, हमें जाग के प्रभु से प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। वचन में लिखा गया सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग में पहुंचाता है, और बहुत चौड़ा मार्ग है जो संसार में पहुंचाता है। तो हमें उस सकरे मार्ग से हमें प्रवेश करना है स्वर्ग में, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। जो कभी भी तुरही का शब्द सुनाई देगा, और वचन में कह गया वो पवित्र है तो वो केवल पवित्र लोगों को ही लेने के लिए आ रहा है। अगर हमें कुछ भी अपवित्रता प्रभु ने पाया तो हम उठा लिए नहीं जाएंगे, वो प्रभु का नेचर है। तो हमें इन दिन में बहुत 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 भय भक्ति के साथ जीना है। हमें नहीं मालूम कि हमारा कल का दिन हमारे जीवन में है कि नहीं, आज का दिन है तो हमारे जीवन में तो कल तक के लिए हमें कुछ भी चीज वेट करके नहीं रहना है। हमें इन दिनों में प्रभु के सामने और के और भी नम्रता के साथ हमारे स्वर्गीय घर में प्रवेश होने के लिए सब कुछ चीजें करना है। तो प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें, और मेरी यही प्रार्थना है कि ये वचन अपने हृदय के अंदर प्रभु एक सील करके अपने अपने लहू से प्रभु इसको सील कर दें, ताकि हमारा आयु में जितने भी वर्ष हमारे लिए बचे हुए हैं हम प्रभु के लिए बहुत सारे काम करने वाले हो सके। तो प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा ब्लेस करें। आमीन। Amen. Thank you, Sister Beena, इस सुंदर वचन के लिए। और आज रात को परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया कि ये वचन हमारे बीच में बांट सके। प्रभु की दासी ने जो है दो भवन के विषय में और अंदरिनी और बाहरी मनुष्य के विषय में हमें याद दिलाया। मुझे आज रात को एक ही बात बोलना है आपको, जो भी हम करें वो परमेश्वर के नाम से करें और परमेश्वर के लिए ही करें, खुद की बड़ाई और खुद की प्रशंसा के लिए नहीं है। यहाँ पे जैसा कि प्रभु की दासी ने याद दिलाया, जो कुछ भी हम यहाँ पर यहाँ करेंगे या इकट्ठा करेंगे सब कुछ हमें यहाँ पर छोड़ कर ही जाना है, लेकिन हम अपने साथ जो है आत्मिक बातों को ही ले जा सकते हैं।
हम जो है स्वदेश के जो जो लोग हैं, हम स्वर्ग पर हैं, और स्वदेशी स्वर्ग यानी इसका हिंदी वर्ड मैंने बोला है सिटीजनशिप, और जो हम पृथ्वी पर एक एम्बेसडर है। प्रभु की दासी ने हमें याद दिलाया इस सुंदर वचन के लिए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले दिनों में परमेश्वर ने अधिक इस्तेमाल करें, यह मेरी प्रार्थना है। परिवार समेत परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ।